नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 17th of July, सो नियर अबाउट मंथ जो है आपका खत्म होने वाला है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो आज हम कवर करेंगे और समझेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डालिए। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन में भी क्लिक कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया इज़ अ इंडिस्पेंसिबल पार्टनर फॉर US। येलन जो है आपका फाइनेंशियल सेक्रेटरी है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो मतलब अमेरिका हमेशा ये बोलता रहता है, और ये कि बहुत अच्छा एक चीज़ आया है, वो हैव इनफ स्टॉक्स ऑफ क्लस्टर म्यूनिशन। सो क्लस्टर बॉम्ब का मतलब होता है कि सिंपल भाषा में क्लस्टर बॉम्ब जो है वो कारपेट बॉम्ब, मतलब क्लस्टर बॉम्ब जो है वो प्राइमरीली आपका मतलब अलाउ नहीं करते हैं। सो क्लस्टर बॉम्बिंग में क्या होता है, बहुत सारा ह्यूमन लॉस जो है, ह्यूमन लाइफ का लॉस ज़्यादा होता है। सो अभी पुटिन जो है, ये वॉर तो भाई एक साल से ज़्यादा हो गया, तो अभी और भी चलेगा जब तक वेस्ट जो है ड्रेन आउट नहीं होता है, तो दैट्स ओके। अल्काराज जो है आपका जीत चुका है फर्स्ट विंबलडन टाइटल, जोकोविच को उसने हरा दिया है। एक बहुत ही अजीब चीज आपको देखने को मिल रहा है, दैट इंडिया एयर इंडिया राइट्स ऑफ 7,000 करोड़ इन फाइनेंशियल 23 टर्न्स इबिटर पॉजिटिव, नेट लॉस पेक्ट एट लिटिल ओवर 2,500 करोड़। सो यहाँ पे आपका एयर एशिया सबसे ज्यादा आपका लॉस करता है, फिर विस्तारा, क्योंकि एयरलाइन का बिजनेस जो है आपका लॉस मेकिंग ही बिजनेस होता है। यहाँ पे पैसा बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज एक तो होता है कि एयरलाइन रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, मूविंग कॉस्ट होते हैं, प्राइमरीली आपका फ्यूल कॉस्ट ऊपर नीचे होता रहता है। और तो अभी फ्यूल बहुत सस्ता है, फिर भी इसका बेनिफिट जो है एंड यूजर को कुछ नहीं मिलता है। नियर अबाउट ब्रेक इवन की तरफ ये मूव कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और यहाँ पे जिसके वजह से गो एयर ने आपका बैंकरप्ट NCLT में आपका एडमिशन या बैंकरप्सी में डिक्लेयर कर दिया था, वो था कि एयर इंजन या उसका जेट टर्बाइन इंजन का जो सर्विस है या स्पेयर पार्ट्स उसको नहीं मिल रहा है। सो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लॉस इज गोइंग ऑन। सो एयर इंडिया कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। सो कंसोलिडेशन विल बी देयर, पर डे लॉसेस हैव ड्रॉप सिग्निफिकेंटली सेल्स ऑफिशियल्स, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो अभी इंडिया में इंडिगो है नंबर वन में, आपका इंडिगो है सेकंड में, आपका एयर इंडिया ग्रुप है, उसके बाद आपका स्पाइसजेट है, फिर उसके बाद गो फर्स्ट था, बट अभी आस्ते आस्ते उसने अपना स्पेस जो है छोड़ दिया है। पर्सनल डेटा ऑफ इंडियंस इन पब्लिक डोमेन मे गेट शील्डेड फ्रॉम AI, डिपेंड करेगा आपका कौन सा AI है, पर इवेंचुअली आपका सारा डेटा जो है वो अमेरिकन और चाइनीज के पास ऑलरेडी है, सो उसमें कोई फायदा नहीं है। सेम रेड सिग्नल रिटर्न शॉप्स और फेस लीगल एक्शन, ईवी मेकर्स दैट रॉन्गली क्लेम सब्सिडी मस्ट रिफंड इट एल्स विल आल्सो बी बार्ड फ्रॉम FAME III। ठीक है, रियल मनी गेमिंग कंपनीज एग्जीक्यूटिव टू लुक मेक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, 28% GST तो रहेगा, बट उसमें आपका देखोगे आपका सेगमेंटेशन होने के चांसेस हैं, नहीं तो आपके जितने भी सारे जो कंपनीज है वो आपका मॉरिशियस, दुबई, सिंगापुर, वहाँ पे जो है वो मूव कर जाएंगे। जिंदल फिर से पैसा उठा रहा है, $3 बिलियन उठाएगा, किसके लिए, आपका डी लिस्टिंग वो करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। $3 बिलियन विच विल इंक्रीज प्रमोटर होल्डिंग, अच्छा, बेनिफिटिंग फ्रॉम अपस्विंग इन स्टील प्राइसेस, JSPL रिपोर्टेड EBITDA ऑफ 15,000 करोड़, उसमें आपका कितना, अच्छा प्रॉफिट कितना है, बेन फंड रनर टू बाय अडानी कैपिटल फॉर 1,500 करोड़, सही है सही है, सब पैसा कमा रहे भाई। बट हमें ये देखने को मिल रहा था अडानी जो है अपना कंसोलिडेशन शुरू कर दिया उसने, बहुत सारा जो वो अपना कंपनी है, स्टेक है, वो बेचना शुरू कर रहे हैं। सो अभी जो उसका कोर बिजनेस है, दैट इज स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी बिजनेस, उस पर वो जो है फोकस कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, वो अपना कैश को प्रिजर्व करना चाहता है, और मतलब इस चीज़ पे आपको ये देखना पड़ेगा। सो इज इट अ गुड साइन, इट ऑल डिपेंड्स। अभी अगर कोई भी प्रमोटर जब अपना होल्डिंग रिड्यूस करना है या कट ऑफ कर रहा है टू रिड्यूस दैट डेट और टू पे बैक दैट डेट, समथिंग इज वेरी यू नो क्रूशियल एंड रिस्की देयर। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना पड़ेगा। अडानी कैपिटल मैनेजमेंट लेड बाय फॉर्मर लेमन ब्रदर्स, 2008 का जो US का जो कंपनी है, मैक्वायरी इन्वेस्टमेंट बैंकर गौरव गुप्ता हु ओन्स 10% एंड 90% इज ओन्ड बाय गौतम अडानी। सो प्राइमरी वही डील हुआ था, गौतम बाबू ने बोला कि आप चलाओ, आप इसको आगे लेके जाओ, मैं आपका इनिशियल पैसा दे देता हूँ, 90% मेरा, 10% आपका। सो आपका भी होल्डिंग रहेगा। अगर यहाँ पे 1,500 करोड़ का अगर सेल ऑफ होता है तो 1,500 करोड़ में नियर अबाउट 130 करोड़ जो है वो गौरव बाबू के पास जाएगा, और फिर
अडानी बाबू जो है बाकी पैसा ले लेंगे. सो समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. उत्तराखंड हिमाचल में आपका जो है ऑरेंज अलर्ट है, यानी पानी का जो स्रोत है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, विच इज़ नॉट वेरी गुड. और पानी जो है आपका मतलब इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन. और आपके जो फूड प्राइसेस है या जो एनर्जी प्राइसेस है, ग्रॉसरी प्राइसेस हैं, वो अभी शूट अप करेंगे. और अभी जो है आपका परचेज जो हो रहा है, बहुत सारे रियल्टर जो परचेज कर रहे हैं वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, बट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का एक्चुअली हालत बहुत ही ख़राब है. सो विल लुक इन टू इट. बहुत बहुत ज़्यादा जो है आपको एक्विजिशन देखने को मिल रहा है. जितने भी ज़्यादा अपना पी जो है वो मॉर्गन स्टैनली पी, एशिया एक्वायर्स, क्लेरी, मतलब बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही हैं अभी. मर्जर एंड एक्विजिशन. सो मार्केट जब डाउन होता है या मार्केट जब कंसोलिडेशन के मूड में रहता है, वहाँ पे आपको मर्जर एंड एक्विजिशन देखने को मिलते हैं. जो ओनरशिप है वो चेंज होता है, तो वहीं आपको देखने को मिल रहा है अडानी अपना खुद का कंपनीज बहुत सारे बेच रहे हैं, पी को बेच रहे हैं, मतलब प्राइमरीली प्राइवेट इक्विटी को बेच रहे हैं. प्राइवेट इक्विटी जो है अपने मतलब स्टेबल कंपनीज को परचेज करने की कोशिश में है, ताकि वो अच्छा रिटर्न दिखा सके, बाद में उसको सेल ऑफ करेगा पब्लिक मार्केट में लाके. सो ये सारी चीज़ें जो हैं अंडर करेंट जो है वो चल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो मार्केट राइट नाउ इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी टर्बुलेंट टाइम. आपको बाहर से पता नहीं चलेगा मार्केट को उठा के रखा गया है, बट अंदर ही अंदर जो है वो बहुत ही मतलब ज़बरदस्ती उसको आर्टिफिशियली बढ़ा के रखा गया है. बहुत बढ़िया. इरोडिटस फाइनेंशियली रेवेन्यू जब 63% टू 400 मिलियन डॉलर्स. वाओ, दैट इज समथिंग विच इज अमेजिंग. ऑनगोइंग रैली में टेक निफ्टी पास 19,800. वो ऑलरेडी 19,777 समथिंग आ चुका है, तो 19,800 तो टच कर ही जाएगा. पेट ओपन टू अनदर रेट हाइक आफ्टर एक्सपेक्टेड राइज दिस मंथ. ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ मेरे को दिख नहीं रहा है, वही पुराना घिसा पिटा न्यूज़ ही अभी जो है आपको वो में देखने को मिल रहा है. ऑटो सेक्टर एलोकेशन स्केल न्यू हाइट. Foreign investors pumped 2.6 billion dollar in the stock so far, more than 28% of the total inflows. So घोड़े जो है यहाँ पे ऑटो सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा डाल रहे हैं इंटेंसिकली. इज इट दैट प्रॉफिटेबल? आई डोंट थिंक सो, बट टेक्निकली इट इज मूविंग इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन. सो अगर आपको शॉर्ट टर्म पैसा कमाना है आप वहाँ पे कमा सकते हैं. NBFC ग्रोथ पेस टू स्टे स्ट्रॉन्ग ऑन लोन डिमांड बिनाइन कॉस्ट. सो NBFC तो डेफिनेटली ग्रो करेगा, कोर बैंकिंग सेक्टर में तो है नहीं NBFC. सो नॉन NBFC मतलब आपका जो EMI का सामान ये सब जो परचेज करते हैं वो प्राइमरीली आपका NBFC हम पकड़ते हैं. सो NBFC जो है वो अच्छा डिमांड उसका मूव कर रहा है, पर वो कहाँ पे मूव कर रहा है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन आपका, फिर व्हीकल लोन्स, पर्सनल लोन, उस पर जो है आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है. सो क्लस्टर बॉम्ब जो है वो आपका बैन बॉम्ब है, बट यहाँ पे जब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर जिसको बोलते हैं, सो उसमें क्या होता है कि आपका लोगों का डेथ जो होता है वो ज़्यादा होता है, इंजरी ज़्यादा होता है, मरते कम है इंजरी ज़्यादा होता है. और अगर आदमी मर गया तो इट्स मतलब फाइन बेटर, अगर वो बंदा इंजर्ड होता है तो उसको मेंटेन करना, उसका रख रखाव करना, उसका केयर टेकिंग करना, इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव एंड कंज्यूमिंग एज वेल, रिसोर्स कंज्यूमिंग एज वेल. तो यहाँ पे अगर आप होटल खरीदना चाहते हैं तो होटल खरीद सकते हैं. तो ज़्यादा कुछ न्यूज़ तो है नहीं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन बता सकते हैं. ठीक है, बाय बाय, जय हिंद. एंड ज़्यादा न्यूज़ होगा डिफिनेटली मैं कवर करूंगा डिटेल्स में, बट आज उतना कुछ है नहीं. सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग इट थोड़ा जल्दी जल्दी 10 मिनट के अंदर. एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन बता सकते हैं. ठीक है, बाय बाय, जय हिंद. स्वस्थ रहिए, कल मिलेंगे आपके साथ.